ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की पहली कविता। पहली कविता है भारत देश महान। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, गीत खुशी की सूरज लाता, धरती पर सोना बरसाता, प्यारी प्यारी मलय हवाएं, जीवन को हर पल महकाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, हमारे देश को क्या बताया गया है, महान बताया गया है, बहुत बड़ा बताया गया है। गीत खुशी के सूरज लाता, गीत खुशी के सूरज लाता, इसका मतलब है कि रोज आप देखते हैं कि रात होती है सुबह होती है, रात होती है सुबह होती है, तो क्या होता है, सूरज जब उगता है तो वो क्या लेके आता है, रोशनी लेके आता है। तो रोशनी से क्या होता है, सभी जगह उजाला होता है। तो उसी रोशनी के साथ हर दिन हमें नया देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि खुशी के सूरज लेकर आता है, धरती पर सोना बरसाता। जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही उसकी किरणें आपने देखी है धरती पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी किरणें धरती पर पड़ती है चारों ओर उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने धरती पर सोना का मतलब है जो सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ती है उसका मतलब कवि ने यहाँ पर सोना बताया है। प्यारी प्यारी मलय हवाएं, जीवन को हर पर महकाएं, प्यारी प्यारी मलय हवाएं, मलय पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो हमें हवाएं मिलती है, ये जो प्यारी प्यारी हवाएं मिलती है, ये किस ओर से आ रही है, मलय पर्वत की ओर से आकर हमें यहाँ तक मिल रही है। खेत खेत में हंसती फसलें, इसकी प्यारी शान। और खेत खेत में हंसती फसलें, देखते हैं आप जब किसान जब बीज बोता है तो सबसे पहले किसान बीज बोता है, उसके बाद क्या होता है, फसल धीरे धीरे उगने लगती है, फसलें उगती है और बड़ी होती है। उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है और ये जो हवाएं चलती है उसमें जब फसलें लहलहाती हैं तो कितनी सुंदर दिखती है ना बच्चों। तो यहाँ पे बोला गया है कि खेत खेत में हंसती फसलें जब वो लहलहाती हैं तो वो क्या करती है, हंसती है। खेत खेत में हंसती फसलें, इसकी प्यारी शान, हमारे भारत की शान क्या है, हमारी हंसती हुई फसलें और हमारे किसान। झिलमिल झिलमिल चांद सितारे, मस्तक पर ये मोती सारे। तो क्या होता है, अभी तुम देखते हो जब रात होती है तब पूरे आसमान में क्या हो जाता है, अंधेरा, और अंधेरा होने के बाद पूरी जगह चांद और सितारे आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, हमारे मस्तक, मस्तक का मतलब होता है सिर, हमारे सिर के ऊपर वो सारे चांद सितारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, जलते बुझते आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका मतलब बोला गया है झिलमिल झिलमिल चांद सितारे, कि हमारे सिर के ऊपर वो सारे चांद सितारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं। किस तरह चमकते हैं, मोती की तरह चमकते हैं। अमृत सा गंगा का पानी, धरती का आंचल है धानी, नील समंदर लहर लहर कर करता है गुणगान। और अमृत सा, अमृत का मतलब है कि जिसे जो जल को पीकर, जो पानी को पीकर मनुष्य अमर हो जाता है, ठीक है। तो अमृत सा गंगा का पानी, अमृत सा गंगा का पानी, जो गंगा का हमारा पानी है उसको क्या बताया गया है, या अमृत जैसा बताया गया है जिससे मनुष्य पी के अमर हो जाता है। धरती का आंचल है धानी, और जहाँ हम रहते हैं वो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, धरती पर हम लोग रहते हैं, वो आंचल कैसा है, हमारी पृथ्वी का धानी आंचल है। नील समंदर लहर लहर कर करता है गुणगान। तो जो नीला समंदर है उसमें आप लोग देखते हैं कितनी लहरें ऊपर नीचे आती है ना बच्चों। तो वो नील समंदर इस तरह लहर लहर कर हमारी धरती का गुणगान करता है, हमारी धरती की अच्छाइयों को वो बताता है। हम भारत के नन्हे बच्चे, दिल फौलादी मन के सच्चे, हाथ हाथ में ले हम बढ़ते, नहीं मुश्किलों से हम डरते, मेहनत कर इतिहास रचेंगे, आज दिया है ठान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कवि ने बताया
फौलादी, फौलादी का मतलब, फौलादी का मतलब क्या होता है, आपका दिल कट्टर है, आपका दिल मजबूत है ना, फौलाद की तरह है आपका दिल, और आप मन के बहुत ही सच्चे हो, मन के बहुत ही अच्छे हो। हाथ हाथ में ले हम बढ़ते, नहीं मुश्किलों से हम डरते। और हमारे भारत में क्या है, सब एकता के साथ चलते हैं, सब एकता के साथ सब काम होता है, तो हमें भी क्या करना है, हाथ हाथ में ले हम बढ़ते, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं मुश्किलों से हम डरते, हमें किसी भी मुश्किल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और सभी के साथ एकता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत कर इतिहास रचेंगे, आज लिया है ठान। और आपको ऐसी मेहनत करनी है कि आप अपना खुद का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने भारत का नाम ऊंचा कर सको। ऐसा उन बच्चों ने भी, और मैं आप सभी से भी बोलूंगी कि आप भी कुछ ऐसा ठान लीजिए, अपने मन में कुछ ऐसा प्रण लीजिए कि आप भी कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप भी अपने भारत का, अपने परिवार का और अपना नाम पूरे देश में और पूरी दुनिया में ऊंचा करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता यहाँ खत्म हो गई है। तो अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। तो हम अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाएंगे बच्चों, एक इतिहास रच के। आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं, कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे अपने देश का इतिहास रचा जा सके, आपका नाम हमेशा लोग याद रख सके, है ना बच्चों। तो थैंक यू आप सबको, और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।